Hello everyone, today we will revise exercise 5F of class 6 RS occult math. आज की वीडियो में exercise 5F का हम revision करेंगे. Chapter 1 से लेके last chapter तक ये पूरी book solve हो चुकी है. उन सभी वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे discussion box में दे दूंगा, क्योंकि इस वीडियो में रिवीजन कराऊंगा तो कुछ खास खास क्वेश्चन कराऊंगा. क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 28 तक एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, तो छोड़ छोड़ के खास खास अलग अलग तरीके से क्वेश्चन मैं कराऊंगा. और उससे भी पहले मैं डिस्कस बॉक्स में उन सभी क्वेश्चन का लिंक मिल जाएगा जो मैं छोड़ दूंगा, उनका लिंक भी आपको नीचे क्वेश्चन में डिस्कस बॉक्स में वो लिंक मिल जाएगा. चलिए करते हैं स्टार्ट रिवीजन. तो सबसे पहले मैं करता हूँ रिवाइज में क्वेश्चन नंबर 8. फाइंड द डिफरेंस, हमें डिफरेंस फाइंड करना है. क्वेश्चन है 3 होल 5/8 - 2 होल 5/12. तो यहाँ मैंने उतार लिया क्वेश्चन 3 होल 5/8 - 2 होल 5/12. तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर कन्वर्ट करें कैसे करते हैं. डिनोमीटर का मल्टीपल होल नंबर करते हैं. 8 3 जा 24 24 + 5 29. तो ये हो गया 29/8 - 12 का मल्टीपल में 12 2 जा 24 24 + 5 29. ये भी 29 हो गया, 29/12. अब क्या करेंगे, 8 और 12 का एलसीएम लेंगे. अगर आप ऑलरेडी ले सकते हैं तो अच्छी बात है, लिख लीजिए, वरना अगर नहीं आता तो आपको शो करना होगा. मैं आपको शो कर दे रहा हूँ. वैसे 12 और 8 का एलसीएम 24 आएगा. दिस 2 से डिवाइड करें 2 4 जा 2 6 जा. 2 का डिवाइड करा 2 2 जा 2 3 जा. अगर यहाँ प्राइम नंबर है तो यहीं रुक सकते हैं, बताओगे इतना. तो मल्टीपल करो 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24. तो एलसीएम आ गया 24. अब क्या करेंगे, 8 का डिवाइड 24 में कितने टाइम्स गया, 8 3 जा 24, 3 टाइम्स गया. 3 का मल्टीपल कर दो, 3 9 जा 27. कैरी 2 3 2 जा 6 और 2 8. माइनस 12 का डिवाइड 24 में 2 टाइम्स गया, 2 का मल्टीपल करो 2 9 जा 18. 2 2 जा 4 1 5 58. इसको सबट्रैक्ट करो, 7 में से 8 नहीं जाएगा, बोरो लेंगे 17 में से 8 गया 9, यहाँ रह गया 7 और 7 में से 5 गया 2. 29/24. अब ऊपर देखो मिक्स फ्रैक्शन दे रखा था, अगर नीचे आंसर इम्प्रॉपर में आ जाए तो इसको भी हमें कायदे से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहिए. तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करके देखते हैं. 24 व्यंजा 24, सबट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा, 5. जो रिमाइंडर होता है ना, और जो होल होता है, ये कोशेंट होता है, ये डिवाइड. देखो अपॉन में 24 तो अपॉन में 24 होगा, कोशेंट क्या है 1, वो होता है होल. तो 1 होल रिमाइंडर आता है ऊपर 5, और डिवाइड में वही होता है डिवाइड में, यानी कि डिवाइजर. तो 1 होल 5/24 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 28. क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा, है ना. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15. इसमें प्लस भी है और माइनस भी है, दिखाता हूँ क्वेश्चन 15. ये ना बाकी सब इसी टाइप के, प्लस माइनस मैंने ये ले लिया, जिसमें एक होल नंबर, दो फ्रैक्शन है. 2 + 11/15 - 5/9. तो मैंने क्वेश्चन कर लिया 2 + 11/15 - 5/9. 2 का मतलब 2/1, ये तो सबको पता है, अपॉन में संबंध होता ही होता है ना. अब क्या करें, 15 और 9 का एलसीएम ले लो, क्या आएगा, ऐसे 45 आएगा, लेकिन मैं आपको शो कर दे रहा हूँ. 3 का डिवाइड करा, 3 5 = 15 3 3 = 9. अब ये प्राइम नंबर हो गए, है ना. तो ये और इन दोनों का मल्टीपल एलसीएम होगा, 3 5 = 15 15 3 = 45. तो 45 हमने ले लिया एलसीएम इन तीनों का. अब वही काम करना है, 1 का डिवाइड 45 में 45 टाइम जाएगा, 45 2 जा वो होते हैं 90. साइन प्लस और प्लस लगा लो. 15 का डिवाइड 45 में 15 3 जा 3 टाइम्स गया, 15 3 जा 45. और 3 का मल्टीपल 11 करेंगे, 11 3 जा 33. अरे माइनस तो माइनस लगा दो. 9 का डिवाइड 45 में 9 5 जा 45 और 5 5 जा 25. क्या करें, सॉल्व कर लो, पहले प्लस कर लो माइनस कर देना, या आप 33 में से माइनस कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. चलो मैं पहले प्लस ही कर दे रहा हूँ. 3 और 9 3 12 123 - 25/45. तो ये कितना हो गया, 98 हो गया. 13 में से 8 गया 5, 11 में से 2 गया 98/45. 45 का आप डिवाइड 98 में कर दो, 45 2 जा 90 98 में से 90 गया 8. ठीक है, तो क्या हो गया, कोशेंट क्या है 2, तो 2 होल रिमाइंडर क्या है 8/45. तो ये क्वेश्चन 15 भी सॉल्व हो गया. ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21.
क्वेश्चन 21 है आपका, 3 प्लस 1 होल 1 अपॉन 5 प्लस 2 अपॉन 3 माइनस 7 अपॉन 15। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, अगर कहीं भी मिक्स फ्रैक्शन जैसे दिख रहा है तो उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लो, बाकी काम बाद में करेंगे। तो 5 बन गया 5 प्लस 1 6 अपॉन 5, तो ये हो गया 6 अपॉन 5 प्लस 2 अपॉन 3 माइनस 7 अपॉन 15। 3 का मतलब 3 अपॉन 1। अब हम क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम लेंगे, इन सबसे मतलब 1 5 3 और 15 का। 15 सबसे बड़ा नंबर, 15 15 देखो 3 का मल्टीपल है, 5 का भी मल्टीपल है और 1 का भी। अगर कोई ऐसे नीचे डिनोमिनेटर नंबर दे रखे हो सबसे बड़ा नंबर बाकी सब नंबर का मल्टीपल हो तो उसका एलसीएम वही आ जाता है 15 का, नहीं जरूरत नहीं 15 आ जाएगा। 1 का डिवाइड 15 में 15 टाइम्स गया और 15 3 जा 45, साइन प्लस और प्लस लगा लिया। 5 का डिवाइड 15 में कितने टाइम्स गया, 5 3 जा 15, 3 टाइम्स 3 6 जा 18। 3 का डिवाइड 15 में 5 टाइम्स गया, 3 5 15 और 5 2 जा 10, माइनस का साइन तो माइनस लगा लो, 15 बन जा 15 और 1 7 जा 7, तो कितना हो गया 40, चलो 45 लिख लिया मैंने, लिख लेते हैं आप, 18 प्लस 10 में से 7 गया 3 अपॉन 15। अब ये कितना हो गया, 8 3 11 11 और 5 16 का 6 कैरी 1। दोबारा देखो, 3 8 11 11 5 16 का 6 कैरी 1, 1 1 2 4 6, 66 अपॉन 15। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर दो, जब 15 का डिवाइड करो 15 4 जा 60 है ना, जो रिमाइंडर बचे वो यहाँ जाता 6, तो 4 होल 6 अपॉन 15। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 हुआ। चलिए करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 है, व्हाट शुड बी एडेड टू 9 होल 2 अपॉन 3 टू गेट 19, यानी कि 9 होल 2 अपॉन 3 में क्या ऐड करें कि हमें 19 रिजल्ट मिले। तो ये क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में उतार लिया, क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, सॉल्यूशन देखिए आप। क्वेश्चन कहता है व्हाट शुड बी एडेड 9 होल 2 अपॉन 3 टू गेट 19। अब मैं आपको उसको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। सपोज करो आपके पास 15 रुपीज़ है, 1515 है ना, अब मैं कहूँ आपको कितने रुपये और दे दी जाए, यानी कि आपके में कितने रुपये और ऐड कर दिए जाए कि हमारे पास 23 हो जाए, तो कितना आंसर आएगा, सबने सही कहा 8 रुपीज़। कैसे निकाला, जो रिजल्ट हो जाए उसमें से जो हमारे पास थे उसको माइनस कर दें, 23 में से 15 माइनस कर दो 8 रुपीज़। सेम काम यहाँ करना, इतने थे और हमें हो जाए इतने, तो क्या सब ऐड करेंगे, 19 रिजल्ट आ रहा था 23 में से 15 माइनस करा था, यहाँ रिजल्ट आया 19, तो 19 में से ही माइनस करेंगे। तो लिखोगे बी एडेड 19 में से सब्ट्रैक्ट कर दो जो हमारे पास हैं, ये आंसर हो जाएगा। तो 19 माइनस 3 9 या 27 और 2 कितना हो गया 29, तो 29 अपॉन 3 और 19 का मतलब 19 अपॉन 1, 1 और 3 का एलसीएम 3 आएगा, 1 का डिवाइड 3 में 3 टाइम्स गया, 3 का मल्टीपल करेंगे 19 में, 19 3 जा कितने होते हैं 57, बन मल्टीपल करो 3 9 जा 27 कैरी 2 3 1 जा 3 2 5, ओके याद मुझे टेबल तो क्या, अब 3 का डिवाइड 3 में 1 टाइम जाएगा, 1 का मल्टीपल 29 में तो 29 ही रहेगा। तो ये आंसर आ गया आपका, क्या सब्ट करेंगे, वो सॉरी क्या ऐड करेंगे 9 होल 2 अपॉन 3 में, जो सब्ट करके आएगा 7 में से 9 जाएगा, बोरो लिया 17 में से 9 गया 8 बचा, यहाँ रह गया 4, 4 में से 2 गया 28 अपॉन 3। ओके इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कर लो, 3 9 जा 27 और रिमाइंडर, तो हमें क्या ऐड करना होगा 9 होल 1 बाई 3। क्लियर। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24। देखिए 23 सेम वैसी है जैसे ऊपर था, इसलिए मैं 24 करता हूँ है ना, और 23 का भी आपको नीचे डिस्कस बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। 24 है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 3 होल 5 अपॉन 9 एंड 3 होल 1 अपॉन 3। पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर इसको सब्ट्रैक्ट कहाँ से करना है, फ्रॉम द सम ऑफ 5 होल 5 अपॉन 6 एंड 4 होल 1 अपॉन 9। ओके तो करते हैं कैसे होगा समझाते हैं, तो शॉर्ट में उतार लिया क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 3 होल 5 अपॉन 9 एंड 3 होल 1 अपॉन 3 फ्रॉम द सम ऑफ 5 होल 5 अपॉन 6 एंड 4 होल 4 होल 1 अपॉन 9। चलिए सॉल्यूशन, तो सबसे पहले इन दोनों का सम निकालो, द सम ऑफ 3 होल 5 अपॉन 9 एंड 3 होल 1 बाई 3, तो ये क्या होगा, दोनों को प्लस करना है, 3 होल 5 अपॉन 9 प्लस 3 होल 1 बाई 3। ओके करें, 9 3 जा 27, 27 प्लस 5 32, ये हो गया 32 अपॉन 9, 9 3 27, 27 5 32 अपॉन 9, 3 3 जा 9 अपॉन 10, 10 अपॉन 3,
नाइन और थ्री का एलसीएम क्या आएगा, नाइन। नाइन का डिवाइड नाइन वन टाइम्स, वन का मल्टीपल करेंगे 32 आएगा। थ्री का डिवाइड नाइन में थ्री टाइम्स आएगा, थ्री से नाइन होते हैं, थ्री का करेंगे टेन में 30 आ गया। तो कितना हो गया, 32 + 30 = 62। अब इसको ऐसे रहने, उसको मिक्स में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है इस वाले सम को जो आया 62.9 इन दोनों के सम से, फ्रॉम द सम ऑफ 5 होल 5.6 एंड 4 होल 1.9। अब हम इन दोनों का सम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो लिखता हूँ मैं, सम ऑफ द सम ऑफ 5 होल 5.6 एंड 4 होल 1.9 क्या आएगा, 5 होल 5.6 प्लस 4 होल 1.9। 6 5 जा 30 प्लus 5 35 upon 6, 9 4 जा 36 1 37 upon 9। 6 और 9 का एलसीएम आ जाएगा 18, है ना। तो 6 का डिवाइड करो 18 में, 6 3 जा 18, 3 का मल्टीपल करेंगे तो 105 आएगा, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 1 10। 9 का डिवाइड 2 टाइम्स गया, 9 2 जा 18, 2 का मल्टीपल करो 2 7 जा 14, कैरी 1 2 3 जा 6 1 7। इसको ऐड करें क्या आ गई, ये 549 707 1 179 upon 18। तो जो ऊपर वाला सम आया था 62 upon 9 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है ना। तो चलिए कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, ये मैं सामने कर देता हूँ। नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट, लिख देता हूँ यहाँ इसका आगे, यहाँ लाइन खींच के करता हूँ, 179 upon 8 में से 62 upon 9 सब्ट्रैक्ट करना ही था सम। चलिए करके दिखाते हैं। तो 8 और 9 का एलसीएम, ये दोनों कैसे हैं, आपस में कोप्राइम, कोप्राइम का एलसीएम क्या होता है, उनका प्रोडक्ट है, यानी कि मल्टीपल। 8 9 जा 72, तो 8 का डिवाइड करोगे 9 टाइम्स ही जाएगा, 8 9 जा 72, 9 का मल्टीपल कर दो, 9 9 जा 81, कैरी 8, ओके। 9 7 जा 63 और 8 71, कैरी 7। 9 1 जा 9 और 7 60, माइनस 9 का डिवाइड 8 टाइम्स गया, 9 8 70, 8 का मल्टीपल 8 2 16, कैरी 1। 8 6 जा 48 149, तो कितना हुआ, बोरो लेंगे तो 11 में 6 गए 5, यहाँ रह गया 0, बोरो ले लिया, 10 में से 9 गया 1, यहाँ रह गया 5 5 में से 4 गया 1 1, ये ठीक है ना। 115 upon 72, बड़ी उत्पटांग संख्या आ रही है, कटा भी नहीं है, तो 5 6 7 8 5 6 8, 9 से नहीं कटेगा, है ना, कहीं मिस्टेक कर दी क्या, चेक करते हैं। 62 upon 9 सेपरेट करना है, 62 upon 9 कितने में से, 179 upon 8, ओहो 18 है, 18 है, खाली मैंने 8 लिख लिया है, 18 है ना, तो ये गलत कर दिया, दोबारा करते हैं, तो और छोटा हो जाएगा बहुत, क्योंकि 18 इसे काट दे रहा हूँ, ये वही मिस्टेक मैंने 8 लिख लिया है ना। तो चलो दोबारा से करते हैं, क्या करना था, हमें ये करना था 179 upon 18 में से, मैंने 8 लिख दिया था जल्दीबाजी में, जबकि वो 18 है, तो 9 और 18 का एलसीएम तो सीधा 18 आ गया, 18 का डिवाइड 18 वन टाइम्स, 1 का मल्टीपल करोगे तो 179, 9 2 जा 18, 2 का मल्टीपल करो 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, 2 6 जा 18 नहीं होता, 2 6 जा 12 क्या कर रहे हैं भाई, 124 है ये, क्या कर रहा हूँ आज। चलिए सेपरेट करो, 9 में से 4 गया 5, ओके, 7 में से 2 गया 5 अपॉन में 18, ठीक है। तो ये कितना हो गया, मिक्स फ्रैक्शन में 18 3 जा 34 होते हैं, रिमाइंडर 1, तो ये हो गया, इसका रिजल्ट आ गया। इन दोनों के सम में से बाद वाले दोनों के फ्रैक्शन के सम में सबट्रैक्ट करोगे तो वैसे पूछा डिफरेंस क्या आएगा, वो ये आएगा, ये इसका आंसर हो गया 24 का। चलिए अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। बीच में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आते तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये पूरी एक्सरसाइज की लिंक मिल जाएगी, है ना, तो आप एक एक क्वेश्चन जो भी डाउट है आप उसमें से क्लियर कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट में क्लास 6 आर एस एफ मैथ नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें चैप्टर 1 से लेकर लास्ट चैप्टर तक सभी एक्सरसाइज की वीडियो पड़ी हुई हैं, वहां से जाके भी देख सकते हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 है, अ पीस ऑफ वायर, एक वायर है 2 होल 3 upon 4 meter लॉन्ग, जिसकी लेंथ दे रखी है 2 होल 3 upon 4 meter, ओके क्लियर, ब्रोक इंटू 2 पीस, दो पार्ट में वो टूट गया, 1 piece is 5 upon 8 meter, एक पीस की लेंथ दे रखी है 5 upon 8 meter लॉन्ग, तो हाउ लॉन्ग इज द अदर पीस, अदर पीस की लेंथ क्या होगी या कितना लंबा होगा, समझ गए,
मान लो 3 मीटर लंबा वायर है, दो पीस हो गए, एक पीस की 1 मीटर है, दूसरी क्या होगी जितनी लेंथ ही 3, 3 में से 1 सबट्रैक्ट कर दो। हम क्या करेंगे यहाँ, 2 होल 3/4 टोटल लेंथ है, इसमें से माइनस कर देंगे 3/5/8, सो ये आंसर आ जाएगा। ओके क्लियर ना, चलिए करते हैं। तो यहाँ लिख लो लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर हमें दे रखी है 2 होल 3/5 एम्पर मीटर। लेंथ ऑफ वन पीस दो पीस में डिवाइड हो गया, ब्रोक हो गया, टूट गया, उसमें लेंथ एक पीस की कितनी रखी है, लेंथ ऑफ वन पीस 5/8 मीटर। तो अदर लेंथ क्या हो गया अदर पीस की, समझिए इसमें से इसको माइनस कर दो, सिंपल सा था। तो हाउ लॉन्ग इज द अदर पीस, तो लिख दो लेंथ ऑफ अदर पीस टोटल लेंथ थी 2 होल 3/4 मीटर, इसमें से एक पीस की है 5/8, इसको माइनस कर दो, 4 2 8, 8 और प्लस 3 कितने हो गए 11, तो ये हो गया 11/4 माइनस 5/8, 4 और 8 का एलसीएम 8 आ गया, 4 का डिवाइड 8 में 2 टाइम्स गया, 4 2 8, 2 का करा 11 में 22, 8 का 8 में 1 टाइम्स 5, 22 में से 5 गए 17/8, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर दो, 8 2 16, रिमाइंडर कितना है 1। तो लेंथ ऑफ अदर पीस विल बी 2 होल 1/8 मीटर। ओके, इसी के साथ आपकी पूरी एक्सरसाइज 5 ऐप रिवाइज हुई, मैंने खास खास क्वेश्चन रिवीजन कर दिए, रिवीजन में करा दिया आपको, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी क्वेश्चन का लिंक मिल जाएगा, तो इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं, हो सकता है जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दी हूँ किसी को उसकी जरूरत हो, जैसे क्वेश्चन में 27 है 28 है, हो सकता है किसी को 28 की नीड हो, किसी को 27 ना समझ में आया, तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, क्योंकि ये पूरी बुक सॉल्व कर चुका हूँ रिविजन के तौर पर, मुझे जो खास क्वेश्चन लगे मैंने आपको करा दिए। तो मुझे उम्मीद है आज के जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, फिर भी अगर आपको कोई और डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसकी अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आपकी वो वीडियो मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।